होशियारपुर के गढ़शंकर में लोकसभा आनंदपुर से उम्मीदवार मुनीश तिवारी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। यहां उन्होंने अपने रोड शो में पत्रकारों से बात करते हुए जगमीत बराड़ पर टिप्पणी करते हुए कहा कि वो हमारे सीनियर लीडर हैं, लेकिन वो हर समय एक पार्टी में नहीं रहते हैं, यह उनकी फितरत है। वहीं 19 मई के बाद देखना होगा कि अब वो कौन सी पार्टी में जाते हैं। उन्होंने साध्वी प्रज्ञा पर टिप्पणी करते हुए कहा कि साध्वी प्रज्ञा भारतीय जनता पार्टी वाले इस देश में फिरका परस्ती फैलाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दी है जिस पर देश की अदालतों में केस चलते हैं। इसलिए बराड़ साहब अपने साडे मित्र ने, साडे पुराने साथी रहे ने, पर बराड़ साहब दी ये फितरत है, वो ज्यादा देर किसी पार्टी टिकदे नहीं हैगे। कल अकाली दल च गए ने, हुण ये वेखना हैगा कि वो 21 मई तक या 19 मई तक जो वोटां पैंदियां ने अकाली दल च रहिंदे ने कि किसी होर पार्टी तुर जांदे ने। देखो भारतीय जनता पार्टी वाले इस मुल्क च फिरका प्रस्ती फैलाउणा चाहुंदे ने, इसलिए उन्होंने एक अहिजे व्यक्तित्व नूं टिकट दिता है या टिकट नाल सवारिया है जिसते बड़े संगीन फौजदारी दे मुकदमे चल रहे ने, और वो मुकदमे अजे अदालत च ने, और ये साफ साफ एक संदेश है कि इस चोण नू भाजपा वाले और अकाली दल उन्हां दा भाईवाल है वो मुद्दिया ते नहीं लड़ना चाहते, अपने लेखे अपने ट्रैक रिकॉर्ड ते नहीं लड़ना चाहते, वो इस मुल्क दे विच फिरका प्रस्ती फैलाउणा चाहते और कम्यूनलाइज करना चाहते।